भैया बहनों, आज हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इस सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं, दोनों लेंस उत्तल लेंस होते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं? छोटी से छोटी वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जिस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया करते हैं उसे हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से छोटी वस्तु का प्रतिबिंब देखने पर बड़ा अस्पष्ट दिखाई देता है, चमकीला दिखाई देता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी में किन लेंसों का प्रयोग किया जाता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे होते हैं। तो संरचना की दृष्टि से यह लोहे की एक पाइप होती है। पाइप के दोनों सिरों पर दो लेंस होते हैं। जिधर वस्तु होती है, ये वस्तु है, जिधर वस्तु होती है, वस्तु की ओर छोटी फोकस दूरी का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। जिधर वस्तु होती है, छोटी सी वस्तु, उधर उत्तल लेंस लगा होता है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है, छोटे आकार का होता है, उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। और उससे कुछ दूरी पर नली के दूसरे सिरे पर बड़ी फोकस दूरी का बड़ा लेंस लगा होता है। बड़ा लेंस उत्तल लेंस होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि नली के सहारे हम वस्तु के प्रतिबिंब को इस लेंस की सहायता से देखते हैं। यह लेंस हमारी आंख के सामने होता है और बड़ी फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। जब वस्तु AB से प्रकाश की किरणें अभिदृश्यक लेंस पर पड़ती हैं, तो अभिदृश्यक लेंस से प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर के नेत्रिका लेंस पर पड़ती हैं। नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस का समायोजन इस प्रकार किया जाता है। जैसे पूछा जाता है परीक्षा में समायोजन कि कम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सचित्र वर्णन कीजिए, तो उसमें समायोजन में यह लिखेंगे कि नेत्रिका लेंस और अदृश्यक लेंस का समायोजन इस प्रकार से किया जाता है कि वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अदृश्यक लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक किरणें नेत्रिका लेंस के पृष्ठ पर पड़े, जिससे नेत्रिका लेंस से प्रकाश किरणें जब अपवर्तित होंगी वह हमारे आंखों तक आती हैं और हम उन किरणों की सहायता से प्रतिबिंब को देखते हैं। देखिए, नेत्रिका लेंस के समीप, नली के समीप हम अपने आंखों को व्यवस्थित रखते हैं और दूर से आने वाली वस्तु से होकर आने वाली प्रकाश किरणें जब अदृश्यक लेंस के पृष्ठ से अपवर्तित होती हैं तो नेत्रिका लेंस पर पड़ती हैं। एक किरण नेत्रिका लेंस से पुनः अपवर्तित होकर के एक किरण मुख्य अक्ष के जो समांतर होती है वह इसके द्वितीय फोकस से होकर चली जाती है और जो दोनों किरणें यहाँ पे टकराती हैं जिससे प्रतिबिंब A'B' बनता है, उससे चलने वाली प्रकाश किरणें हमारे आंखों तक आती हैं और हम अंतिम प्रतिबिंब को देखते हैं। प्रतिबिंब का बनना कैसे लिखेंगे कि वस्तु AB से आने वाली प्रकाश किरणें अदृश्यक लेंस से पृष्ठ से अपवर्तित होती हैं, तो वस्तु का एक छोटा सा वास्तविक उल्टा और वस्तु AB से बड़ा वास्तविक उल्टा नेत्रिका लेंस और उसके प्रथम फोकस के बीच बनता है। इस प्रतिबिंब को जब हम नेत्रिका लेंस की सहायता से अपने आप से देखते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब A'B' आभासी सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा, आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा, अस्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब के लिए A'B' बना प्रतिबिंब ये वस्तु का कार्यकर्ता है। एक बार पुनः प्रतिबिंब को देखेंगे। वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश किरणें जब अदृश्यक लेंस के पृष्ठ पर पड़ती हैं, इस पृष्ठ से अपवर्तित होने के पश्चात एक किरणें नेत्रिका लेंस के पृष्ठ पर पड़ती हैं। नेत्रिका लेंस के पृष्ठ पर पड़ने से पहले एक किरणें आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु पर वस्तु AB का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा A'B' बनता है।
अब वस्त्र से चलने वाली प्रकाश किरणें नेत्रिका में से अपवर्तित होकर हमारी आंखों तक जाती हैं और हम इस प्रतिबिंब को नेत्रिका लेंस की सहायता से देखते हैं तो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बड़ा आभासी और सीधा, देखिए ए डैश बी डैश के सापेक्ष सीधा होता है, सीधा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अब इसके लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखते हैं। यहाँ देखिए अल्फा कोण है, अल्फा कोण है वस्तु द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, और यहाँ बीटा कोण दिखाया गया है, यह अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनने वाला कोण कहलाता है। आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है m बराबर बीटा पान अल्फा। जब हम इसका मैथमेटिकल अध्ययन करते हैं तो m का मान आता है जब अंतिम प्रतिबिंब, पूछा जाता है परीक्षा में कि जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इन्हीं दोनों को इसमें दिखाना रहता है। तो अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस वी ओ अपान यू को वन प्लस डी अपान एफ ई होता है। VO क्या है? VO है अदृश्य किरण से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी, और UO क्या है? अदृश्य किरण से वस्तु ए बी की दूरी, D क्या है? अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, F ई क्या है? ए नेत्रिका लेंस से नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच की दूरी को F ई कहते हैं। अब इसी में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान एफ ई। तो परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संयुक्त सुदर्शी किसे कहते हैं, इसका सचित्र वर्णन करिए। तो इसका मैथमेटिकल वर्णन नहीं करना है हाई स्कूल में, इसमें जो है आपको संरचना लिखना है, समायोजन लिखना है और आवर्धन क्षमता लिखना है। आवर्धन क्षमता में आवर्धन क्षमता का सूत्र m बराबर बीटा अपान अल्फा होता है, और जब अंतिम प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m बराबर माइनस वी ओ अपान यू वन प्लस डी अपान एफ ई, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है m बराबर माइनस वी ओ अपान यू इंटू डी अपान एफ ई। इतना लिखना है और सुंदर चित्र बना देना है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में खगोलीय दूरदर्शी के बारे में सचित्र वर्णन पढ़ेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और 10, 11, 12 तीनों क्लास में फिजिक्स का वीडियो हमारा जाता है, अपने क्लास को देख करके ही वीडियो को अच्छी तरह से देखें और फिजिक्स का नोट्स बनाते चलें।